नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न में बनने वाले कुछ योग के बारे में, जो योग राजयोग के समान होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है, यानी लग्न भाव में एक नंबर लिखा हुआ है और ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है, तो आपकी जन्म कुंडली में भी ये राजयोग के समान है। तो मित्रों, बात करते हैं कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में किस तरह से राजयोग बनते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न भाव देखेंगे, लग्न भाव जहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, यानी ये मेष लग्न की जन्म कुंडली है जहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है लग्न भाव में। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कुंडली का लग्न भाव होता ही है, यहाँ पर एक नंबर लिखा है, तो आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की जन्म कुंडली है। अब मेष लग्न की जन्म कुंडली में लग्न भाव में अगर सूर्य विराजमान है, सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है, तो लग्न भाव में अगर सूर्य ग्रह विराजमान है तो इस तरह से सूर्य राजयोग बनाता है। अब लग्न भाव में ही मंगल ग्रह विराजमान हो, मंगल मेष राशि का स्वामी होता है और मंगल ग्रह अपने स्वयं की राशि में होकर, केंद्र भाव में होकर पंच महापुरुष योग रोचक योग बनाता है, तो इस तरह से लग्न भाव में सूर्य और मंगल राजयोग बनाते हैं। अगर सूर्य अकेला है तो भी राजयोग है और मंगल लग्न भाव में अकेला है तो भी राजयोग बनता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में, जहाँ पर दो नंबर लिखा है, ये जन्म कुंडली में दूसरा भाव है और मेष लग्न में जहाँ पर दूसरे भाव में दो नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर अगर चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा राजयोग बनाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है दो नंबर राशि जो वृषभ राशि है वो चंद्रमा की उच्च राशि है और उच्च राशि में बैठकर कोई भी ग्रह राजयोग का फल देने वाला होता है। अब यहाँ पर अगर शुक्र ग्रह भी हो, दूसरे भाव में शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह वृषभ राशि का स्वामी है और इस तरह से मेष लग्न की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह भी राजयोग बनाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाव में, जन्म कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। जन्म कुंडली में तीसरे भाव में जहाँ मिथुन राशि है, यानी तीन नंबर है और मिथुन राशि का स्वामी होते हैं बुध, तो अपने स्वयं की राशि में बैठकर बुध जो है वो राजयोग बनाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है और वहाँ पर तीसरे भाव में तीन नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर बुध ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे में योग बनता है, ये एक राजयोग है। इसके बाद बात करते हैं चौथे भाव में, जन्म कुंडली में जहाँ पर चार नंबर लिखा है, ये जन्म कुंडली में चौथा भाव है। अब यहाँ पर चार नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो, यानी कर्क राशि का चंद्रमा हो, चंद्रमा कर्क राशि में स्वयं की राशि है चंद्रमा की और स्वयं की राशि में बैठकर चंद्रमा राजयोग बनाता है। अब अगर यहाँ पर गुरु विराजमान हो तो गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं और केंद्र भाव में गुरु ग्रह विराजमान होकर हंस योग बनाते हैं, ये पंच महापुरुष योग है और बहुत ही श्रेष्ठ योग है। तो गुरु अगर चार नंबर लिखा है वहाँ पर विराजमान है, यानी केंद्र भाव में विराजमान है, तो इस तरह से मेष लग्न की जन्म कुंडली में गुरु पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अब बात करते हैं पाँचवें भाव के बारे में, तो पाँचवें भाव में जन्म कुंडली मेष लग्न की है, पाँचवें भाव में पाँच नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर सूर्य ग्रह विराजमान है तो ये सूर्य की स्वयं की राशि है, यानी सूर्य सिंह राशि के मालिक होकर अपने स्वयं की राशि में बैठकर राजयोग बना रहे हैं। अब मित्रों, बात करते हैं छठे भाव के बारे में। छठे भाव के बारे में छः आठ बारह भाव जो है, छः आठ बारह भाव जो है उसके स्वामी छः आठ बारह भाव में हो, तो ऐसे में एक राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग। तो बुध ग्रह जो है वो कन्या राशि में उच्च के भी होते हैं और कन्या राशि के ही स्वामी हैं, तो बुध अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, तो एक राजयोग बनता है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठा होता है तो ऐसे में राजयोग के समान फल देने वाला होता है, पर यहाँ पर ये छठे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है तो ऐसे में विपरीत राजयोग बनता है। छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी छठे आठवें बारहवें में हो तो ऐसे में विपरीत राजयोग बनता है, तो यहाँ पर दो राजयोग का फल देने वाला ये बुध ग्रह बन जाता है। अब मित्रों, बात करते हैं सातवें भाव के बारे में। सातवें भाव में अगर शुक्र ग्रह विराजमान है तो तुला राशि है सात नंबर, यानी तुला राशि और शुक्र ग्रह की स्वयं की राशि है तुला राशि के मालिक है शुक्र,
तो सातवें भाव में शुक्र ग्रह विराजमान होकर एक पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिसे हम मालवीय योग के नाम से जानते हैं। और ये योग एक बहुत ही श्रेष्ठ योग होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी होता है। अब बात करते हैं शनि। शनि ग्रह जो है वो अगर सात नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर विराजमान हो जाए तो शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, और ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष योग बनाते हैं। शनि भी केंद्र भाव में विराजमान होकर अपनी स्वयं की राशि में हो या अपने उच्च की राशि में हो, तो ऐसे में शनि जो है वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ योग है, जिसे हम शश योग के नाम से जानते हैं। अब मित्रों, आठ नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल अपने स्वयं की राशि में बैठा है, तो ऐसे में एक बहुत ही उत्तम राजयोग बनता है। और इसके अलावा ये 6, 8, 12 भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में हो तो बहुत ही अच्छा योग जो है वो विपरीत राजयोग, जैसे बुध बना रहा है वैसे ही यहाँ पर मंगल भी बना रहा है, तो इस तरह से मंगल यहाँ पर राजयोग बना रहा है। अब बात करते हैं भाग्य भाव में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, गुरु ग्रह विराजमान है, तो गुरु ग्रह धनु राशि के स्वामी है। 9 नंबर यानी धनु राशि के स्वामी होकर भाग्य भाव में विराजमान होकर स्वयं भाग्य भाव में हो, तो ऐसे में राजयोग बनता है। और मित्रों, बात करेंगे 10वें भाव जो कर्म क्षेत्र हैं। कर्म क्षेत्र में शनि जो है वो स्वयं की राशि में बैठा है, मकर राशि के स्वामी है शनि, और अपनी स्वयं की राशि में बैठकर ये पंच महापुरुष योग का फल देते हैं, जिसे हम सस योग कहते हैं। यहाँ पर भी शनि सस योग बना रहा है और यहाँ पर भी सस योग बना रहा है, तो शनि अगर 7 नंबर में हो तो भी सस योग बनेगा, और अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में हो तो भी सस योग बनेगा। अब मित्रों, 10वें भाव में मंगल ग्रह बैठा है। 10वें भाव में जहाँ 10 नंबर लिखा है मकर राशि में, मंगल ग्रह उच्च के होते हैं और ये एक श्रेष्ठ योग है, पंच महापुरुष योग है, जिसे हम रुचक योग कहते हैं। और रुचक योग मंगल ग्रह बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छा योग है, पंच महापुरुष योग है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है, और ऐसे व्यक्ति विश्व कल्याण के हेतु काम करने वाले होते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं 11वें भाव के बारे में, जहाँ पर 11 नंबर है, शनि ग्रह विराजमान है। तो शनि ग्रह अगर 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे में कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, और अपनी स्वयं की राशि में बैठकर शनि जहाँ पर बैठा होता है वहाँ के लिए अच्छा होता है, वहाँ के लिए अच्छा फल देने वाला होता है। तो 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे में भी एक योग बनता है, विश्व विख्यात योग, जो अगर ये मेष लग्न की जन्म कुंडली में 11वें भाव में शनि विराजमान होते हैं तो योग बनता है। अब मित्रों, बात करते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान है, मेष लग्न की जन्म कुंडली है और 12वें भाव में गुरु ग्रह विराजमान है, तो ऐसे में 12 नंबर यानी मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी होते हैं गुरु, तो अपने स्वयं की राशि में बैठकर ये तो अपने आप में राजयोग है ही है, इसके अलावा विपरीत राजयोग भी बन जाता है। तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह 12वें भाव में है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा, क्योंकि ये उच्च का होता है। तो मित्रों, इस तरह से मेष लग्न की जन्म कुंडली में ये ग्रह विराजमान होकर राजयोग बनाते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किस तरह की जानकारी आप हमारे द्वारा जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।